अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम यौम आज़ादी मुबारक में हम आपका खैर मकदम करते हैं। आज यौम आज़ादी है। आज से 64 साल पहले हिंदुस्तान ने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की थी। 100,000 Englishmen simply cannot control 350 million Indians. I have always believed in fighting. आज़ादी एक अजीम तोहफा है। आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। हमारे पुरखों को इसके लिए बरसों नहीं बल्कि सदियों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़नी पड़ी थी, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी थी। इसके बाद ही हम आज़ादी का जश्न मना पा रहे हैं। बाबाए कौम महात्मा गांधी, मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और उल्मा इकराम की अजीम कुर्बानियाँ थी, मुसलसिल जिद्दोजहद थी, दानिशमंदी थी कि आज हम आज़ाद हैं। हमारे बुज़ुर्गों को इस आज़ादी के लिए कितने कठिन मरहलों से गुजरना पड़ा इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। Without British administration, this country would be reduced to chaos. It is time you left. ताहम 15 अगस्त को हुब्बुल वतनी का सबूत देकर हम इस आजादी के लिए की गई कुर्बानियों को जरूर याद कर सकते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। अपनी आवाज हैव नॉट्स की आवाज चौतरफ फैलाए, हम की आवाज चौतरफ फैलाए। जय हिंद। तो नाजरीन, इसी आज़ादी के पुरमसरत मौके पर हम आपको ये एहसास दिलाना चाहेंगे कि इस आज़ादी को कैसे महसूस किया गया और इसकी मसरत को किस तरह पेश किया गया। ये एक अजीम तोहफा था जो हमें 15 अगस्त सन 1947 की शब हासिल हुआ था। इस नगमे में हम आज़ादी की मसरत को बखूबी महसूस कर सकते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों,
पथ पाया
ناظرین ہمارا یہ خصوصی پروگرام یوم آزادی مبارک بات کا سلسلہ جاری رہے گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جائے ہند ہمارے اس خصوصی پروگرام یوم آزادی مبارک میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں دوستو اس نغمے کی گہرائی میں اگر ہم جائیں گے تو پتا چلے گا کہ ملک کی آزادی کے لیے لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی تھیں آئیے ذرا ڈوب کے دیکھتے ہیں کہ آخر یہاں بات کی جا رہی ہے تو قربانیوں کی انصاف کی ڈگر پہ بچوں دکھاؤ چل کے یہ دیش ہے تمہارا نیتا تمہیں ہو کل کے انصاف کی ڈگر پہ بچوں دکھاؤ چل کے یہ دیش ہے تمہارا نیتا تمہیں ہو کل کے دنیا کے رنج سہنا اور کچھ نہ منہ سے کہنا دنیا کے رنج سہنا اور کچھ نہ منہ سے کہنا سچائیوں کے بل پہ آگے کو بڑھتے رہنا سچائیوں کے بل پہ آگے کو بڑھتے رہنا رکھ دو گے ایک دن تم سنسار کو بدل کے رکھ دو گے ایک دن اپنے ہو یا پرائے سب کے لیے ہو نیائے اپنے ہو یا پرائے سب کے لیے ہو نیائے دیکھو قدم تمہارا ہرگز نہ ڈگمگائے دیکھو قدم تمہارا ہرگز نہ ڈگمگائے رستے بڑے کٹھن ہیں چلنا سنبھل سنبھل کے انسانیت کے سر پہ عزت کا تاج رکھنا انسانیت کے سر پہ عزت کا تاج رکھنا تن من کی بھیٹ دے کر بھارت کی لاج رکھنا تن من کی بھیٹ دے کر بھارت کی لاج رکھنا جیون نیا ملے گا انتم چتا میں جل کے جیون نیا ملے گا انتم چتا میں جل کے
कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दोस्तों, इस नगमे में दर्द है, अलम है, कर्ब है, इसके बावजूद वतन से मोहब्बत का दर्स दिया गया है। इसमें बच्चों से कहा जा रहा है, रंज और गम के बावजूद उन्हें सच्चाई की राह पर चलना है और नाउमीद नहीं होना है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हमको कितने ताजमहल हैं और बनाने, कितने ही अजंता हमको और सजाने। अभी पलटना है रुख कितने दरियाओं का, कितने पर्वत राहों से हैं आज हटाने। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बात, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। ये नगमा हमें जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देता है। आजादी के बाद जिस तरह के हालात हो गए थे, उसी के पसे मंजर में इस नगमे के जरिए बताया गया था कि हिंदुस्तान कितना कीमती है और कितना शानदार। कर चले हम पिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा
जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम पिता जान पर साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम पिता जान पर साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाजू बन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने मुंह से जमीन पर लगी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जय हिंद। और अब हमारा यह खसूसी प्रोग्राम यौम आज़ादी मुबारक यहीं पे ख़त्म होता है। अब दीजिए अथर खान को पूरी टीम के साथ इजाज़त, और देखते रहिए मुनसिफ टीवी। अपनी आवाज़ हैवनॉट्स की आवाज़ चौतरफ फैलाए, अमन की आवाज़ चौतरफ फैलाए। जय हिंद।